इहो लग देखा जा हाँ मैं क्रिस्टोफर हरो गांव मसमानो पोस्ट कर रहा जिला खूंटी झारखंड का निवासी हैं हम। और ये आम देखा जा रहा है बहुत बड़ा बड़ा फल फला हुआ है ये देख रहे हैं। ये हम ये आम को ये आम का पौधा को हम 2017 अक्टूबर नवंबर में हम लगाए थे और इधर लगभग हम लोग को 3 साल हो चुका है। और इस फल से हम महसूस कर रहे हैं कि हमको कोई इसमें हानि और दोष का जगह नहीं दिखाई दे रहा है। और आगे हम दिखाते हैं और भी आम का क्वालिटी को। इधर भी हम आम देख रहे हैं इधर बहुत सारा झुलस चुकी है जो कि बहुत और भी फल देता है लेकिन हम लोग आम का जो मंजर था उसको हम लोग तोड़ दिए थे जिसके कारण हम इसको फलने नहीं दिए हैं। ये भी है इस बगान में हमारा लगभग 54 पौधा है मतलब 54 पेड़ है। और 54 पेड़ में तकरीबन सबको सब हर पेड़ से फल कुछ निकला हुआ है। और इस फल से हमको एक अंदाज़ा लग रहा है कि हमको 5 क्विंटल से अबव हमको इस बार फलेगा। और एक हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कितना बड़ा बड़ा फल है एक अनुमानता लगता है 3 से 4 ठो में ही लगभग 1 किलो होगा। और इसको हम आज का बाजारों रेट है उससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरा इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आम को हमको लगाने के समय में 200-250 रुपया के पर रेट के हिसाब से थोड़ा कम लगाए थे लेकिन आज हम इस फल को देख हम काफ़ी खुशी और महसूस कर रहे हैं कि सचमुच में हमारे जैसे जितने भी किसान भाइयों को इसको लगाना चाहिए। क्योंकि इससे ये होता है कि जब कोई खेती नहीं हो रहा है हम खेती कर नहीं पा रहे हैं वैसे वैसे जगह पर हमको लगाना चाहिए। ताकि हम ये समझ सकते हैं एक हम किसान भाई के लिए एक साल भर में एक ATM की तरह है। हम बिना मेहनत के बाद इसको हम सालों साल इसका इनकम हम ले सकते हैं। बहुत हम किसान भाई को यह सलाह देना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ भी है हम अपने माई फ्यूचर लाइफ कंपनी से जो ये आम का पौधा अच्छा क्वालिटी का लेके हम लोग इसको हम लगाएं ताकि हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हम जितने के गरीब किसान भाई हैं और वो गरीब किसान हम इनकम का जनरेट कर सकते हैं जिससे हम अपने आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। और भी हम आपको ले चलते हैं इधर जो कि 4-5 प्रकार का इसमें आम लगा हुआ है लेकिन नाम तो हमको पता नहीं है कि इसमें कौन सा अंबरपाली है कौन सा लंगड़ा है ये सब नहीं बता पाएंगे लेकिन ये 4-5 प्रकार का इस बगान में 54 पेड़ हम लोग का लगा हुआ है। इस पेड़ सबको देखने से हमको एहसास लग रहा है काफ़ी आनंद और खुशी का महसूस हो रहा है जो कि हम सलाह देना चाहते हैं और बाकी किसानों को भी ऐसा ये पेड़ लगाना चाहिए कि 3 साल के बाद हमको ये सालों साल कई हजारों रुपया में हमको ये प्रॉफिट देगी। बहुत सारा लगा हुआ है हर पेड़ पौधा को तो हम हर पेड़ को हम दिखा नहीं सकते हैं लेकिन जो है हम लोग के सामने वह इसको हम दिखा देना चाहते हैं ताकि इसको हम लोग देख के एक मोटिवेट हो सकते हैं हम किसान को जागरूक कर सकते हैं कि हम सचमुच में यह फल देखकर हम अपने को इनकम का जरिया हम बना सकते हैं। और ये सच्चाई है कि हम 2017 में लगाए हैं और 2017 अक्टूबर के बाद देखिए कितना साल हो गया है इधर 3 साल लगभग समथिंग मान के चलें और ये मेरा अभी ये फल देना शुरू कर दिया है। और इससे हम काफ़ी इसका जो फल को देख कर काफ़ी आनंद महसूस हो रहा है जो कि हमको इनकम का जरिया बन गया। हम काम करें या ना करें इसमें हम 3 साल मेहनत किए 3 साल भी नहीं 1 साल हम मेहनत किए तो उसके बाद ये अभी फल देना स्टार्ट हो ये हम सालों साल हमको इनकम ये देगी। ये दोबारा यही है कि इस कंपनी जो माय फ्यूचर लाइफ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिस किसान भाइयों को भी ये आम का जो पौधा चाहिए तो नर्सरी चाहिए या तो इसका जो लगाने के लिए चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं।
और जिससे ताकि हम चाहते हैं कि हम किसान भाई लोग भी इस फल को देख के काफ़ी महसूस हो रहा है, और हमारे गरीब किसान लोग जहाँ खेती नहीं कर सकते हैं, बंजर है, वैसे वैसे जगह पर इसको लगा कर इसका इनकम को हम लोग जनरेट कर सकें, ताकि हम इस इनकम के जरिए हम अपना आर्थिक स्थिति को हम लोग सुधार सकते हैं।